आज की वीडियो हमारी होने जा रही है मारुति सुजुकी वैगनार के रनिंग पैनल पे, और रनिंग पैनल की हालत ऐसी है कि इसमें पैच वर्क हो नहीं सकता है, तो इसमें हम नया पीस चेंज करने वाले हैं। पैच वर्क छोटे मोटे रस्टिंग इशू के लिए ठीक है, लेकिन इतने बड़े पैनल के लिए पूरा पैच वर्क बनाना आपको ही कॉस्टली पड़ेगा और ओरिजिनलिटी आनी भी नहीं है। तो हालाँकि इस गाड़ी का सामान जल्दी नहीं मिलता है, और किस्मत अच्छी थी हमें रनिंग पैनल मिल गया है, और जेन्युइन नहीं मिला है, लोकल है, लेकिन जो था वही लेके आए हैं क्योंकि जेन्युइन मिल नहीं रहा था। लोकल में भी आप वीडियो में देखेंगे इसकी फिटिंग एकदम ओरिजिनल के बराबर आई है, और रनिंग पैनल वगैरह में ज़्यादा इशू भी नहीं होता है क्योंकि नीचे का पार्ट होता है। हालांकि हमने गैपिंग वगैरह चेक करके पहले ही देख लिया था कि बाद में ऐसा भी होता है कि दरवाज़ा खोले और रनिंग पैनल लड़ने लगे, तो वो सब इशू आने से पहले हमने उसको सॉल्व कर दिया है। और रनिंग पैनल के अंदर का हाल भी बहुत ज़्यादा ख़राब है क्योंकि ज़्यादातर पानी के कॉन्टैक्ट में यही सब आते हैं, जिसकी वजह से अंदर रस्टिंग भी शुरू हो गई है, तो उसमें भी पैच वर्क करना है। अभी हम रनिंग पैनल रख के देख रहे हैं कि फ़िटिंग वगैरह सही है, तो फिटिंग वगैरह एकदम सही थी। अंदर का भी हाल ऐसा है, पिलर वगैरह इतने ख़राब नहीं होते हैं क्योंकि वो पानी के कॉन्टैक्ट में कम रहते हैं। ये फ्लोर वगैरह और रनिंग पैनल वगैरह ज़्यादा पानी के कॉन्टैक्ट में रहते हैं। जैसे कि आपकी गाड़ी 4-5 साल पुरानी हो जाए तो ये अंडर बॉडी कोटिंग करा लेना चाहिए, उससे आपको ही फ़ायदा होता है। इस तरह के रस्टिंग इशू बहुत कम आते हैं, दंग को कोई नहीं रोक सकता। ऐसा कोई सोल्यूशन बना ही नहीं कि परमानेंट जो है रस्टिंग को रोक दे, तो कुछ हद तक के फ़ायदा मिलता है अंडर बॉडी कोटिंग के कराने से, तो आप चाहे तो करवा सकते हैं। नई गाड़ी पे ना करवाएं, 2-3 साल पुरानी गाड़ी पे भी ना कराएं, कम से कम 5 साल पुरानी गाड़ी हो तभी ये सब चीज़ें कराएं, क्योंकि मेटल की भी लाइफ होती है, उस समय के बाद ही वो गलना या रस्टिंग होना शुरू होता है, उससे पहले नहीं होता। हाँ, अगर पानी के कॉन्टैक्ट में ज़्यादा आ रही है तब 1-2 साल पहले करा ले, ज़्यादा सही रहेगा। और पानी को कॉन्टैक्ट में ज़्यादा नहीं आ रही तो 5 साल बाद आप अंडर बॉडी कोटिंग कराना शुरू मतलब करवा सकते हैं 5 साल बाद। तो रनिंग पैनल लगाने से पहले हमने सब चीज़ें चेक कर ली थी, गैपिंग वगैरह क्योंकि देखना पड़ता है। ये अभी हम दरवाज़े सेट करके देख रहे हैं कि लड़ तो नहीं रहे हैं, तो दरवाज़े वगैरह भी एकदम सही थे और पैनल की फ़िटिंग भी काफ़ी अच्छी आई थी, जिसकी वजह से जो है इस गाड़ी में काम तो ज़्यादा होना है क्योंकि इसके दरवाज़े वगैरह भी रस्टिंग इशू हैं, लेकिन इतना पैसा इस पे लगाना बेफजूल होगा। लेकिन गाड़ी इंजन से बहुत अच्छी है, एसी भी बहुत बढ़िया काम कर रही थी, इस वजह से रनिंग पैनल ही ज़्यादातर ख़राब लग रहे थे तो वो चेंज कर दिए हैं। अभी पूरी गाड़ी डेंट पेंट मांग रही है, लेकिन ये करवाई नहीं जाएगी क्योंकि पुरानी गाड़ी हो गई है, या इन फ्यूचर मूड हो गया तो वो भी हो सकती है। बाकी वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो वीडियो एंजॉय करें।